आप विश्वास करें चाहे मत करें, हमरा कुछ मालूम ना रहे, और अगर मालूम रहता ऐसा ब्याह करे से निमन तो हम जिंदगी भर कुंवार रह जाते। अगर श्यामा के ऐसे गांव लेके वापस लौटवा तो लोग ताना मार मार के मार दी तू लोग के, अभी बच्ची के जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाई तू लोग के कारण। वाचस्पति हमनी के साथ बड़ा घिनौना खेल खेले बा, एकर हिसाब बाद में होखी। पहले तू घरे चला, अब तोहार ब्याह होखी वो अपन समान स्टेटस के खानदान वाला में, का फायदा बा श्यामा से इतना सवाल जवाब कैले के, चली घरे। तू लोग के मदद खातिर भरपूर आदमी भर ले बानी हम हो जा। ना, ना भैया ना, एकदम अन्याय बा, महा अन्याय, हमरा से इतना बड़का अन्याय कहीं पहाड़ ना लागी। ना भैया ना, जय श्री कृष्ण। न्याय अन्याय के विचार त्याग दा पुरुषोत्तम, न्याय अन्याय के मतलब समय और हालात के साथ बदल जाला। अभी सिर्फ अपन बेटी के बारे में सोचा, सिर्फ अपन बेटी के बारे में। एक समय श्यामा के रंग के कारण बियाह ना होत रहल है, और आज ये बियाह के रंग ढंग हमका कुछ समझ में नहीं आवत। अगर बियाह के बेदी से खाली मांग लड़की उठ जाए, ये कलंक उनका जिंदगी तबाह कर दे, हम अपने लड़की के साथ ऐसे ना हो कह दे, ना हो कह दे। सोची तनी का करेगा ही कसाई, हम नीचे के ना जिंदगी तबाह कर दे लेबा जिंदगी। जानकी जानकी धीरज रखा, धीरज रखा। कहां से रखी धीरज, एक तरफ बेटी की जिंदगी दांव पे लागल बा, दूसरी तरफ वंश के प्रतिष्ठा। लेकिन ना तो हम अपने बेटी के जिंदगी दांव पे लागे दे, और ना अपने वंश के प्रतिष्ठा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो यही लड़का से बिया हुई, यही लड़का से। अन्याय बा तो अन्याय ही सही, आप श्यामा के बिया यही लड़का से होके रहे, कौनो भी कीमत पे यही लड़का से बिया हुई। अब जा, हाली से जा, कायम रहिया दोनों अपन बात पर, गांव समाज के बात तो बाद में बा, अब तोहरा दोनों के हाथ में बा श्यामा के जिंदगी, कैसे पकड़ धकड़ के तो दोनों के बियाह करवा बा, भूल जा मनबंध, संबंध देखा संबंध, जा। उ तो जो भाग में लिखा रही वो होके रही, लेकिन एक बात याद रखे जीजा जी, भगवान बाने वो तोहरा के कभो माफ ना करिए, न भगवान न हम, कहे के आप ना क्षमा के ना घृणा के पात्र बानी, घृणा के। चली जी यहाँ से। क्षमा घृणा ई सब हमरा खातिर हमार प्रतिशोध के फल बा, लेकिन ममता झा तू आपन करनी के फल भुगते खातिर तैयार हो जा, तैयार रहा धन डाला लेके गोर दक दक पुतो के चुमावे खातिर, दुधिया गोराई चाहे जातिया। ठीक कहा थी मझिदू लाइन, चला ऐसे। ना ना, ऐसे कैसे आप लोग चल जाए। तनी इत सोची, अगर एक जवान लड़की के आधा अधूरा बिया रह जाए तो का फिर कब होई का। ना ना, दया करा बाबू हमने जी को ऊपर, उद्धार करा हमरे बेटी के, स्वीकार करके बाबू। आप सब तनी तनी हमरा जगह पे जाके देखी, बेटी के बाप के पिया समझ में आ जाए आप लोग के। आप लोग ज्ञानी बानी, विद्वान बानी, गुणी बानी, दुनिया देखले बानी, एक अत्र भी चाका के देखी। आज अगर हमार बेटी के ब्याह टूट गई तो कह दी हमार बेटी के प्रतिष्ठा, कैदी हमार बेटी के आपन घर में जगह, कैदी कैदी मान, कैदी सम्मान और कैदी अधिकार।
वरमाला से आधा ब्याह तो हो गया, अभी ब्याह के और भी कहीं। हमारी बेटी का आप अपन पुत्र स्वीकार करी जा सा आपके हम गोल पकड़ के नहीं हो रहा कर रहा नहीं अपन पुत्र स्वीकार करी जा सा श्यामा के बिया छा परिवार में ई तो हमार परिवार के सर्वनाश के लक्षण बा। ना ना तीनों काल में हम ऐसा हो ही ना देव। आप लोग के दिमाग खराब हो गए बा का सोच में कैसे लेनी। ई लड़की बनी निखिल के पत्नी सरकारी स्कूल के पढ़ल लड़की जेकरा साड़ी के सीधा उल्टा पल्ला बनावे के लूर नहीं के ऊ बनी झा खानदान के पुतो। हमार बेटी रूपवती ना सही लेकिन गुण के खान भी है। ज्योति बा गले में सरस्वती बा। माई तू काहे अपन मुँह खाली करा तारू बंद करा अपन प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं के करे के हमरा इधा। ईटा पे चढ़ के बड़का मत बना पुरुषोत्तम। हर बेटी बड़का गुनी बाना गुनी ना नौरी दिया श्यामा हमार बेटी के अगो नौरी के हमार बहिन की बेटा के साथे बिया। दादा रे दादा मुँह तो ऐसे खुलता जैसे हमार श्यामा लड़की ना कोनो गाय भैंस बिया। और हमार घर के लड़कीन के कूटा से ना बांधल जाला। का कमी बा बोली का और आप लोग कुछ बोला का है नहीं की कैसे चल जाई लड़का बेटी से उठ के वो आधा बिया महिला के बाद ता बड़का घर के नियम संस्कार ही है ओला। हम लोग एक लड़की के जीवन ऐसे तो बर्बाद ना होए दे। एकदम सही जे लड़का से बरमाल भईबा ब्याह भी उकरा से हुई। एक बड़का लोग लड़की के जिंदगी के पान सुपारी समझे ले खा के थूक द। देखी मंत्र के साथ लड़का लड़की के वरमाला भइल बा अब बिया ना होखी तो ई अनिष्ट बुझी। चाहे जे विधि भी कहे ना होखी लड़का लड़की अगर मंडप तक आ गइल बाने तो मतलब बा कि विधाता की इनकी मर्जी बा। श्यामा तो चुप रहा बियाह तो होके रही इतना लोग तोहरा पे अन्याय ना होए दी। अब भई काम की बात अब ता निखिल बाबू के श्यामा के मांग में लाल लाल सिंदूर भरे के ही पड़ी। ना ता लोग कुल ई लोगन के कूट कूट के मुंह लाल कर दी। माई संधि जी के कहें कि ब्याह के रस्म शुरू करे लगन बीतल जाता। सही खातर दुल्हन देखी सबके हक में यह निमन होगी कि हो जाने आपत्ति मत करी ही बिया हो गई दे। माई तू अपन बेटी के प्रेम में धर्म न्याय सब बिसर गई लुका तहरा तो कुछ याद नहीं खे लेकिन हमरा सब याद बा और हमरा से ब्याह करल पार ना लगी। श्यामा धर्म न्याय से बढ़ के तो हर सुख शांति हमरा खातिर बा अगर आप हाथ दिया ना हुई तो पूरी जिंदगी तू अकेले रह जाबू। मंजूर बा अगर हमार कृष्णा के यही मर्जी बा तो मंजूर बा हमार काट दे लेकिन केहू के गर्दन के फांस बने के हमरा मंजूर नहीं के। जाई आप सब अपन घरे जाई।
श्यामा अगर आज तू ब्याह न करबू ना तो हम अपन जान दे दे। जानकी माही ऐसा करिए मंदी मंदी अन्याय कहले बारक मौसा जी मतलब ई तो ना कि हम सब भी शामिल हो जाए सब अन्याय में। श्यामा तनी एक बार अपने माई की बात मान के अपने बारे में तू तनी सोचा अगर आज बिया ना भइल ना ई कलंक पूरी जिंदगी तारे माथे पे छप जाई। सुना बबुआ अब खाली तू ही रोक पाए भाई कलंक खाली तू ही। बाबू हमने जी को पर उपकार करी देखा बाबूआ हम जाना था नहीं कि तारा साथे अन्याय भइल बा लेकिन ई बाचस्पति मिश्रा अपने बेटी के बदला ले के चक्कर में ई दुई घर के बर्बाद कर देले बड़े बर्बाद लेकिन ई दुई गम दुश्मनी से आप लोग के रहा लेना मैं हमारी बेटी के का गलती रहा हमारे बेटी के शिकार करी बबुआ हमारे यकीन माने हमार बेटी आपकी जिंदगी में जोत ला के रख दे बाबू जोत लाई। एक नौरी वो झा खानदान के पुतो पास से सामियाना टिकाला आसमान ना आसादी तो दूर के बाद बा अब ई विषय पर बात भी ना होगी बहुत भाई बात चलिए आप ब्याह शुरू करी। झा जी तनी विचार करी ई विषय पर आ दो परिवार आ दो जिंदगी से बढ़के होला अपन शास्त्र और अपन धर्म आ ऊ कहाला कि ब्याह तो विधाता के हाथ से तय होला फिर कहे आपत्ति बा आपके। निखिल आओ तारा से बात करे के बाद बाबूजी तो बारे सज्जन आदमी सब लोग बाबूजी के सज्जनता के फायदा उठा रहल बा लेकिन आप लोग के थोड़ काहे के सियाइल बा अगर एहजा ना बोलब तो घरे जाके माँ के का जवाब दे का समझाई उनके कैसन पुतो के इंतजार में बैठल बानी आ देखे के मिली का। हमरा तो डर बा कि कहीं देखे से पहले सुन के ही उनकर प्राण पखेरू ना उड़ जाए। एक तरफ अपन परिवार बा और दूसरी तरफ इलेकी के समर्थन में अपना लोग ऊपर से इतना लोग के नियोज के लिए आई बनी माई के तो बाद में अगर यहाँ कोई के कुछ हो गई तो का जवाब दे हम सबके। जवाब तो ई बा कि पहले पुलिस के खबर करी हमने के कोनो दोस्त नहीं थे उल्टा हमने के साथे धोखा भइल बा और धोखा कैले बा वाचस्पति मिश्रा पहले ओकरा खिलाफ रपट कराई लड़की के जिंदगी के सवाल बा उन्हें दूसरी ओर झा फैमिली के प्रतिष्ठा भी समाज में कम नहीं थे इस शरीर ही रख के का हुई जब प्रतिष्ठा ही ना बची। प्रतिष्ठा पर बिल्कुल भी आंच नहीं तू निश्चिंत रह। बबनी देखा सड़ू ये लोगन पुलिस बुलावे के बात करा था ऐसे लगा था कि जाने हमने जगह बहुत बड़का पाप कैले बाड़ी लेकिन तू तू अपन बिया ना कह के कहे के बड़ापन दिखावा तड़ू केहू के बोले और बुलावे से कुछ ना हुई माई सांच कबू न बदली और ना हमार निर्णय विचित्र जिद धले बन काहे न बदली तहार निर्णय इतना बड़का नहीं आपन साथ काहे होई दे रे ऐसा जे कुछ भई तहार कोनो दोष नहीं खे फिर तू इस सजा काहे भुगते चाहता नु काहे ना बबली यह तरह कहे के पुछ न्याय तो भइल बा आपके बेटी साथे था और केहू के बेटा साथे भी लेकिन जे कैले बारन हमार मौसा जी वाचस्पति मिश्रा पूता हमार परिवार के लोग बारन ना और परिवार के लोग के गलती के सजा हमरा ही भुगते पड़ी और इमे मौसा जी के भी काहे दोष दी
इता हमार कृष्णा के मर्जी भी हो सकेला ना। उकर मर्जी के आगे केकर चलेला माई। आज सवेरे से ही जहाज के छुटका लेकर हमार दिमाग में घूमत रहले और अब जे बहिल उता विश्वास से बाहर के बाद बा इतहार कैसन लीला बा कृष्णा का चाहेला तू तहार मर्जी ता तोहरे मालूम होगी लेकिन आपन मर्जी की सजा हमरा कहे। देखा निखिल, कभी कभी इंसान अपना भाग्य के सामने विवश होला। अभी वो वाचस्पति मिश्रा हमनी की समस्या नहीं थे, वो तो एक कॉल में जेल में चल जाई या चक्की पीसे लगी, लेकिन ओकरा जेल गईला से हमनी की समस्या समाधान ना हुई। कर कुटुंब दोस्त महिम सर समाज जेकर पूरा के पूरा नजर झा परिवार पर बा, वो झा परिवार जे पीढ़ी दर पीढ़ी समाज कल्याण पर अपन जीवन न्योछावर कैले बा, हमरा बुझाता कि अपन पूर्वज के उधरोहर उ परंपरा के निभावे के समय आ गेल बा। निखिल जी, रउआ का कहता नहीं, हमरा के एक भी बात समझ में नहीं किया होता। देखा निखिल, अभी ये जो समस्या बनू जितने सहज बा उतने जटिल भी बा। एक तरफ बा वाचस्पति मिश्र जी अपना प्रतिशोध के ज्वाला में एगो सीधा साधा लड़की के झोंक दिलक, और दूसर तरफ बानी हमनी के जी खुद चोट खा के भी आघात सह के भी दूसर के घाव भरे के सोचतनी। एक बेर वो लड़की पर ई कलंक लाग जाए नू निखिल, ओकरा समाज समाज के एक एक आदमी ओकरा के अपन शब्द से ओकर आत्मा के ओकर देह के छलनी कर दिए, या के संपूर्ण निर्णय तहा लेवे के बाद। पर इतना याद रखिया कि तहार खुशी के फूल कहू के आत्मा और छा परिवार के प्रतिष्ठा के कुचल के ना खेले के चाहिए। देखा निखिल, अपना बात के एक ही सार बात, तू पहले से वो लड़की के चिन्हेला, कई बार तारा मुंह से ओकर तारीफ सुन ले बनी, हमरा बुझाता ये बियाह खातिर तारा हाँ कर देवे के चाहिए। हाँ भाऊजी, ऐसा छा कि हम लड़की के पहले से जाने, बहुत अच्छी लड़की भी है, बहुत निमन लड़की भी है, लेकिन कर मतलब ही ना कि हम उसे ब्याह कर ले। अरे शादी ब्याह तो बहुत सेंसिटिव मसला होला, बहुत इमोशनल मसला होला, और ऐसा फैसला लेवे से पहले दिमाग कंट्रोल में होके चाहिए, और हमार दिमाग इस वक्त कंट्रोल में नहीं के बिल्कुल। निखिल, तार मना स्थिति के हमरा ज्ञान बा, समझता नहीं, लेकिन बेटा कि जिंदगी बा, जिंदगी में कभी कभी इमोशन मन बात दरकिनार कह के अपन बुद्धि विवेक से निर्णय लेवे पड़ेगा, और आज उहे दिन बा। देखा बेटा, हम कभी भी अपन निर्णय तहरा ऊपर ना थोप, लेकिन हमारी इच्छा बा कि तू ई ब्याह के हाँ कह दा। तारा जगह अगर हम रहती तो हमरो ये डिसीजन होते। भौजी माई माई के कहा, माई का ये रिश्ता के स्वीकार कर पाई, ये सच हा कि प्रियंका साथे हमारे कोनो इमोशनल अटैचमेंट ना रहे, लेकिन माई के तो पसंद रहे ना वो, और ये लड़की माई के कसौटी पे कोनो तरह से खरा उतरे ली, माई कभो ना मानी। निखिल बाबूआ ठीक कहा तारे बाबूजी, माँ खातिर बिया आघात के जड़ बन जाई, और उ लड़की के रंग रूप ताप देखबे कहीं नहीं है ना, कौन एंगल से वो अपन घर के पुतो बने लायक लगत ही आपके ना बाबूजी, सोचबो मत करिया। वैसे भी आलोक पुलिस के फोन कर देले बाड़े,
तनी देर रुक जाई, पुलिस भी आउते हुई। और लड़की खातिर आप इतना काहे की सोच रहल बानी? अभी हमरा सबके खाली इतना सोचे के बा कि निखिल के कैसे एजा से सेफली निकालल जा, बिया और ऊ लड़की के साथे कबो ना। हमनी के मिल के फैसला तो लेवे के पड़ी। मजली दुल्हन, आपन जिंदगी के फैसला निखिल के खुद लेवे दा। लेकिन बाबूजी, बात बढ़ावे के कोनो जरूरत नहीं, ना जब पुलिस के कोनो जरूरत बा, ना के हूँ ममता के फोन करी, जब समय आई तो हम खुद बात करब। परी अखबार में झा परिवार के गुणगान हमरा बिल्कुल पसंद नहीं थे, ऐसे बात जितना दबल रही वह ठीक बा। लेकिन बाबूजी, निखिल के एजा से सेफली निकाले में कोनो प्रॉब्लम बा का? कोनो प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन श्यामा सोच के देखा। बाबूजी, विचित्र बात बा, बाबूजी के हिसाब किताब तो हमरा समझ। निखिल, तू बाबूजी के बात एकदम मत सुनिया, उसे पहले हमके माँ के फोन करके एजा बुलावे दा, ना तो हरिश्चंद की तरह अपन बेटा दान कर दिए। बाबूजी, कुछ देर खातिर हमरा के अकेला छोड़ दी। मतलब? प्लीज, हमारे दिमाग ठिकाने नहीं खे, कुछ देर खातिर हमरा के अकेला छोड़ दे। निखिल,